देखिए, बहुत ही तकलीफ देह है ये देखना और समझना, और वाकई में इससे बड़ी आपराधिक लापरवाही क्या हो सकती है कि जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बाकायदा पढ़ने के लिए आए हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए आए हैं, वो उनको इनके लिए इतनी भी जिम्मेदारी उनके इंस्टीट्यूट ने या जो भी सरकारी एजेंसियाज हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने ये तक नहीं ली कि बेसमेंट में लाइब्रेरी में वो पढ़ रहे हैं, और बायोमेट्रिक सिस्टम है एग्जिट का, और इतनी जल्दी पानी भर जाता है क्योंकि इतना ड्रेनेज की समस्या है। तो जो ड्रेनेज की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या लगातार से हो रही थी, उसके लिए यहाँ के विधायक ने क्या किया, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, किस तरह से बेसमेंट्स में काम करने की, लाइब्रेरीज खोलने की इजाज़त दी गई, क्यों उनको NOC दिया गया। और तीसरा बड़ा सवाल, जब यहाँ के MCD के काउंसिलर, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो इस बात को लेकर अगर सीरियस नहीं होंगे और आएंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली के छात्र यहाँ हैं, आम आदमी पार्टी का विधायक कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़े सवाल है। देखिए, बड़ा आसान है कह देना कि राजनीति ना करो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो जवाबदेही होगी। मुझे लगता है फौरन एक मुझे नोटिस फौरन से मोटो तौर पर दे लेना चाहिए सरकार की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से, कि सारे बेसमेंट्स को बंद किया जाए। क्यों उनको खोल के रखा गया है, और किस तरह से इतनी ड्रेनेज की समस्या के बावजूद डीसिल्टिंग नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई है, वाटर लॉगिंग की आप हालत देखिए, कब तक दिल्ली के लोग ये बर्दाश्त करेंगे। किस मुँह से यहाँ का जो इलेक्टेड विधायक है, यहाँ की चुनी हुई जो सरकार है, किस तरह से जवाब देगी और समझाएगी तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डेलविन के माँ बाप को, किस मुँह से हम उनको जवाब देंगे। हम उनसे ये कहेंगे कि शैली ओब्रॉय जी जो थी वो MCD कमिश्नर को पत्र लिख रही थी, क्या ये हम जवाब उनको देंगे कि आतिशी जी LG साहब को पत्र लिख रही थी, क्या ये हम जवाब देंगे कि यहाँ का CM और डिप्टी CM जेल में है करप्शन के चार्जेस में, हम क्या जवाब देंगे आप बताइए इन तीन बच्चों के माँ बाप को।